hello my dear students welcome back to your mathematics class with your ma'am dear students we are doing unit 10 visualizing solid shapes till now we have done polyhedrons and the two types of polyhedrons that is prism and a pyramid what is the difference between the two let us quickly revise a prism is the one whose top and base both are congruent Top is triangular, base is triangular, top is hexagonal, base is hexagonal. And the pyramid is that in which the top is in the vortex form that is pointed. Basis of any uh, shape means min minimum triangle and that basis of any shape, but the top is always pointed. So this is pyramid. Now in this video, dear students, I'll tell you about Euler's formula so dear students this is eulers formula and what is it it is the relationship between the faces vertices and edges it is a relationship between faces vertices and edges for any polyhedron if f is the number of faces v is the number of vertices e is number of edges देन एफ प्लस वी इज इक्वल टू ई प्लस टू या फिर ई को अगर हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा और वी कैन राइट इट एज एफ प्लस वी माइनस ई इज इक्वल टू टू राइट सो दिस इज आर यूलर्स फार्मूला दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन फेसिज वट इज इज एंड एज इज ऑफ अ पॉली हैड्रन डियर स्टूडेंट्स द क्वेश्चन कैन बी आज वॉट डू यू मीन बायर्स फार्मूला सो इट इज़ आर रिलेशनशिप बिटवीन द थ्री तो कोई भी एक पॉलीहेड्रन तब एग्जिस्ट करेगा अगर हम उसके फेसेस प्लस वर्टिसेस को ऐड करके एजेस माइनस करें तो आंसर क्या आना चाहिए टू आना चाहिए देन विल कॉल इट अ पॉलीहेड्रन नोट डाउन दिस फार्मूला इन योर नोटबुक इन द फॉर्म ऑफ अ क्लाउड सो बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन नंबर सिक्स मेक दिस क्लाउड इन योर नोटबुक एंड नोट डाउन दिज थिंग्स सो यूरस फार्मूला इज एफ प्लस वी माइनस ई एजेज विल बी सप्रेक्टेड एजेस क्या चीज माइनस करनी है बेटा एजेस हम लाइन से ही रिप्रेजेंट करते हैं विल रिप्रेजेंट द एजेस बाय द लाइन लाइन से ही रिप्रेजेंट करते हैं हम एजेस को दीज आर द एजेस तो माइनस साइन भी एक लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है तो इस तरह से यू कैन रिमेंबर विल सप्रेक्ट द एजेस

एफ वी ई की वैल्यू पुट करनी है और वो सॉल्व करके क्या आना चाहिए टू सो फॉर दैट वी मस्ट नो हाउ मेनी फेसेस आर देयर हाउ मेनी वर्टिसेस एंड हाउ मनी एजेस सो लेट अस काउंट डियर स्टूडेंट्स एज यू कैन सी दिस इज द टॉप ये टॉप दिख रहा है और टॉप के पॉइंटेड है ये नो इट इज़ अ फ्लैट सर्फिस दैट मीन्स इट इज़ अ प्रिज्म एंड इन सेकेंड पार्ट इट इज़ अ पिरामिड बिकॉज इट्स टॉप इज पॉइंटेड वर्टिक्स है टॉप के तो ये पिरामिड है अब हमने पढ़ा है कि प्रिज्म जो होता है जैसा उसका टॉप होता है वैसा ही उसका क्या होता है बेस राइट तो यहाँ से हमें आइडिया हो जाता है कि अगर टॉप कितने साइड्स का वन टू थ्री फोर फाइव फाइव साइड्स का टॉप है मीन्स पेंटागन है टॉप इफ टॉप इज पेंटागन तो बॉटम भी बेस भी क्या होगा इसका पैंटागन होगा बेस भी क्या होगा बेटा पेंटागन एंड पेंटागन हैज़ फाइव एजेस पेंटागन की कितनी एजेस होती हैं फ़ाइव एजेस होती हैं राइट वन टू थ्री फोर फाइव एंड एज आई टोल्ड यू मैंने आपको समझाया था कि जितनी हमारी एजेस होती हैं बेस की उतनी ही वॉल्स हमें रिक्वायर्ड होती हैं फिर चाहे वो पिरामिड हो या फिर वो हमारा प्रिज्म हो अगर बेस की फोर एजेस हैं तो हमें वन टू थ्री फोर वॉल्स चाहिए राइट right? और अगर बेस की थ्री साइ हैं तो हमें थ्री वॉल्स चाहिए तो हम यहाँ से एजेस काउंट कर सकते हैं बेटा हाउ के सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास फेसेस कितने हैं लेट इज काउंट द नंबर ऑफ फेसेस इन दिस तो फेसेस कितने आएंगे एक फेस पेंटागन हो गया फेस टॉप पर हो गया वन फेस प्लस एक फेज़ टॉप पर है तो वैसा ही एक फेज बेस का होगा प्लस वन अब बेस की अगर फाइव एजेस हैं तो हमें कितनी वॉल्स खड़ी करनी पड़ेंगी फाइव एज आई टोल्ड यू कि अगर थ्री एजेस हैं तो थ्री वॉल्स रिक्वायर्ड हैं अगर फोर एजेस हैं तो फोर तो यहाँ पर पेंटागन है तो मीन्स फोर फाइव वॉल्स आर रिक्वायर्ड तो टोटल नंबर ऑफ फेसेस हमारे पास कितने हैं कि फाइव प्लस वन प्लस वन सेवन सो फेसेस आर सेवन नाउ लेटस कैलकुलेट नंबर ऑफ वर्टसिज वर्टसेस देखते हैं हम वर्टसिज एज यू कैन सी वर्टसिज हमेशा हमें कहाँ मिलती हैं टॉप पर मिलती हैं या बेस पर बेस हमारा फोर साइडेड है फोर साइडेड है तो फोर वर्टिसेस बेस की और फोर वर्टिसेस टॉप की इसी तरह हमारा अगर बेस पेंटागन है फाइव वर्टिसेस बेस की और फाइव वर्टिसेस टॉप की इन द फिगर यू कैन सी द फाइव वर्टिसेस ऑफ द टॉप ओनली वन टू थ्री फोर फाइव बेस की नहीं है लेकिन हमें पता है जितने बेस की होती हैं उतनी टॉप की तो फाइव प्लस फाइव टेन वर्टसेज हो जाएंगी हमारे पास किसकी टोटल नाउ एजेस अब एजेस की बारी आती है एजेस बेटा जितनी एजेस हमारी बेस की हैं वन टू थ्री फोर फाइव फाइव बेस की एजेस होगी फाइव एजेज विल बी ऑफ टॉप राइट और उतनी ही हमारी लाइन्स जो होती हैं लाइक एज यू कैन सी इन दिस केस बेस इज़ हैविंग फोर तो हमारे पास देखो फोर एजेस ही हाइट में आएंगी दिस इज़ वन टू थ्री फोर तो टॉप तो की फोर जो हाइट है इसकी वन टू थ्री फोर हाइट होगी तो फाइव प्लस फाइव प्लस फाइव

वाटसेज वर्टसेज आपको अभी बताया कि पेंटागन है फाइव वर्टसिज बेस की और फाइव वर्टसज टॉप की दैट इज टेन देन एजेस एजेस आपको बताया फाइव बेस की एजेस फाइव टॉप की और फाइव जो एजेस हैं वॉल्स की होंगी क्योंकि फाइव पॉइंट्स हैं ज्वाइन करने के लिए तो एक एज ये लेनी पड़ेगी हमें एक ये एक ये एक ये और एक जो हमें ये विजिबल नहीं है वो इसकी है So 5 total 15 edges. So now let us verify the formula. Formula is f plus v minus e is equal to 2. So this is our left hand side. This is our right hand side. So left hand side ko faces is 7 plus vertices 10 minus edges 15. So 10 plus 7, 17 minus 15, that is 2. तो क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है सो विल से यस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड सो हैंस वेरीफाइड वेरीफाइड सो डू दिस इन दिस वे नाउ बी पार्ट लेट सी नाउ बी पार्ट इज अ पिरामिड एज आई टोल्ड यू इट इज अ पॉइंटेड वर्टिक्स सो इट्स अ पिरामिड पिरामिड में हमारे पास बेटा क्या आएगा पिरामिड बेस सबसे पहले फेसेस काउंट करते हैं बेस हम देख रहे हैं फोर साइडेड वन टू थ्री फोर फोर साइडेड फेस है तो जितना साइडेड फेस होगा उतनी वॉल्स खड़ी होंगी एक तो हो गया बेस एक दीवार होगी जो नीचे बिछाई प्लस क्योंकि उसकी चार लाइंस हैं तो चार दीवारें हमें खड़ी करनी पड़ेंगी लाइक एज आई हैव शोन यू अगर फोर साइडेड बेस है तो फोर वॉल्स की ज़रूरत पड़ेगी दैट आई शो यू इफ़ इट इज़ अ फोर साइडेड बेस तो हमारी वॉल्स वन टू थ्री फोर वॉल्स की ज़रूरत पड़ेगी तो ये होगी फ़ोर वॉल्स बट उसके बाद बिकॉज़ यहाँ पर उन्हें उन्होंने रेक्टेंगुलर वॉल्स यूज़ की हैं तो पॉइंटेड बनाने के लिए उन्हें चार दीवारें और खड़ी करनी पड़ेंगी यहाँ के लिए दिस इज नॉट द टॉप यहां से कवर नहीं कर रखा डोंट गेट कन्फ्यूज सो वन बेस इज दिस और ये जो चार दीवारें खड़ी हैं ये वाली रेक्टेंगुलर और चार ट्राइंगुलर तो टोटल नाइन फेसेस आर देर नाउ वर्टसेसिस वन टू थ्री फोर वर्टसेज फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड वन नाइन वर्टसेज नाउ एजेस फोर एजिज ऑन द बेस वन टू थ्री फोर फोर एजिज बेस की हो गई प्लस आपको मैंने बताया कि अगर फोर एजेस हैं तो फोर वॉल्स खड़ी होंगी उनकी फोर हाइट आ जाएगी चार लाइनें उनकी आ जाएंगी उसके बाद चार दीवारें और खड़ी कर रखी ऊपर तो उनकी चार लाइन आ जाएंगी दैट इज़ टोटल ट्वेल्व इक्वल टू ट्वेल्व सो लेटर्स राइट इन नोटबुक सो डियर स्टूडेंट्स एजेस एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ वन टू थ्री फोर एजेस बेस की होगी बेस प्लस फोर एजेस वन टू थ्री फोर फोर ये वर्टिकल एजेस होगी राइट वॉल्स की प्लस फोर एजेस वन टू थ्री फोर ये होगी Or 4 is planting 1, 2, 3, 4. So 4, 4 is 16, total edge is 16. Now let us verify the formula f plus v minus e is equal to 2. So let us put the value f is 9, vertices 9, minus 16 is equal to 2. 8, 9 plus 9, 18, minus 16 is equal to 2. So 2 is equal to 2. That means left hand side is equal to right hand side. So, hence verified. Hence verified. So, I hope the concept is clear to you. Now, dear students, our next question number seven is using Euler's formula, find the unknown. So, three parts are given to you this is first part, this is second, this is third so one or two i'm doing for you and try the two parts yourself so let us do this question so dear students in the first part number of faces are not given to us vertices six and edges 12 so let us now find out the number of faces by using eulers formula so this is our first part mark this as first part this is second this is third so eulers formula is this let us write down the formula first of all now let us put the values faces are not given to us so we'll write f plus vertices c minus 12 is equal to 12 so f uh, plus 6 minus 12 so let us first take this 12 to other side 2 plus 12 over a sign change so f plus 6 is equal to 24 f is equal to 24 and this will become minus 6 so f will be 18 so faces will be 18 in first case right now similarly let us do the second part again let us write down the eulers formula f plus v minus e is equal to 2 so number of faces 5 vertices not given to us write down v minus edges 9 is equal to 2 so what do we do let us take 5 plus v is equal to 2 plus 9 right so 5 plus v is equal to 11 so v is equal to 11 minus 5 is 6 so number of vertices is 6 similarly you can do the third part f plus v minus e is equal to 2 f is 20 put the value v is 12 put the value

सो so, एजेस कितनी आ गई हमारे पास थर्टी सो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू नाउ लेट्स यू क्वेश्चन नंबर एट नाउ डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर एट इज़ कैन अ पॉली हैव टेन फेसेस ट्वेंटी एजेस एंड फिफ्टीन वर्ट क्या हम एक ऐसा पोलीहैड्रन बना सकते हैं जिसके टेन फेसेस हों ट्वेंटी एजेस और फिफ्टीन वर्ट तो ये तभी पॉसिबल होगा अगर ये यूलर्स फार्मूला सेटिस्फाई हो जाए तो लेट्स सी सो डियर स्टूडेंट्स वेदर दिस पोलिड्रन इज पॉसिबल और नॉट वी विल यूज यू लर्स फॉर्मूला एफ प्लस वी माइनस ई इज इक्वल टू टू तो हम पुट करके देखते हैं वैल्यू अगर अगेन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है तो आंसर होगा येस इट इज पॉसिबल अदरवाइज नो सो टेन फेसेस प्लस ट्वेंटी एजिस तो एजेस मीन्स ई तो माइनस ट्वेंटी फिफ्टीन वर्टसज फिफ्टीन वर्टसज मीन्स वी इज फिफ्टीन वैल्यू पुट करते हुए ध्यान रहे इज इक्वल टू लेट एस सी इट इज इट इक्वल टू टू सो टेन प्लस फिफ्टीन इज ट्वेंटी फाइव माइनस ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव माइनस ट्वेंटी इज फाइव सो इज इट इक्वल टू टू क्या ये इक्वल आ रहा है टू के नो इट इज़ नॉट इक्वल टू टू दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड सो इफ लेफ्टाइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड सो विल से नो

Thank you. If you like my videos, subscribe my channel. Thank you and have a nice day.